अर्पिता जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा जय श्रीला प्रभुपाद। अर्पिता, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों को रोज हरे कृष्णा का मंत्र पढ़ना चाहिए और उसकी 100 माला बिल्कुल जाप करनी चाहिए हर रोज आना। कृष्णा भी बहुत तो उस बच्चों को गॉड ब्लेसिंग देते, कृष्णा बिल्कुल खुश होते हैं। आपके कहने का मतलब 16 माला जाप करनी चाहिए। Yes. कौन सा मंत्र है आप बताएंगी हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके अलावा बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? Yes. बच्चों को ये करना चाहिए कि तुलसी जो होती है ना, उस हम पॉट लेते हैं, फिर हम आप तुलसी उगाएं, बिल्कुल उगाएं, उससे कृष्णा बिल्कुल खुश होते हैं। और क्या करना चाहिए? मैं आपको और बताना चाहूँगी तुलसी के बारे में कि हम लोग पॉट लेते हैं, उसमें पहले गाय का गोबर सॉइल और मिट्टी डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सीड्स डालते, फिर पानी डालते, दिन भर दिन ये उगता जाते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उगाई थी और ये कितनी बड़ी हो गई है। और इसके अलावा बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? कि ये जो कृष्णा को ऑफर करते हैं, जो बिल्कुल हार जो बनाती है गोपियाँ इनके कृष्णा की हार जो बनाती है उनको ऑफर करते हैं, लोग उनको लेके जाते हैं, लेकिन लोग कुछ ऐसे भी करते हैं कि उनको पहनते नहीं है, ऐसे फेंक देते हैं, ये बड़ा अपराध होता है। और कृष्णा उसके घर में बिल्कुल बैठते नहीं है। जो कृष्णा के बारे में बहुत सारा मतलब जे करते, सब कुछ पूजा करते वगैरह करते, तो कृष्णा हमारे घर में बिल्कुल खुश होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ब्यूटीफुल। और कृष्णा को अर्पण करने के बारे में कैसे फॉलो करना चाहिए? कृष्णा को बच्चों को बिल्कुल अर्पण करना चाहिए डेली रोजाना दोपहर शाम रात। कुछ लोग भी ऐसे भी करते हैं कि जो तुलसी महारानी उगाते हैं, जो कृष्णा को ऑफर करते हैं खाने बच्चा, वो उसमें मंजरी नहीं डालते, उस वो भी बड़ा अपराध होता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि खुद अपने हाथों से उगाते हैं और अपने पेरेंट्स को भी खुद नहीं पता होता, फिर वो लोग मंजरी उगाते हैं, मंजरी तुलसी उगाते हैं, फिर मंजरी उगाते हैं, मंजरी उसमें से आती है, फिर हम मंजरी उसमें खाने में डालते। अगर वो खाना कृष्णा ऐसे ही खा जाए और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बना अपराध भी होता है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। आपके कहने का मकसद है तुलसी के पत्ते या फिर मंजरी जो होती हैं वो भगवान की थाली में डालें और फिर अर्पण करें भगवान को, वरना भगवान नहीं खाएंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। देखें जो कृष्णा को ऑफर करते हैं वो भी मेरे हार्ट पे ना। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। किसने दिया आपको ये हार, कहाँ से आया ये? कौन होता है, एक हमारा एक भवन है वहाँ से कृष्णा को ऑफर करते हैं, वो मैं लेके आ गई। बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय का। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल।